रणजी टीम में सिलेक्शन कैसे होता है, कितनी उम्र तक के लोग रणजी के ट्रायल दे सकते हैं, ट्रायल कब होते हैं, कौन कौन ट्रायल दे सकता है, आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फॉलो द क्रिकेट 24 में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहां पर हम क्रिकेट से जुड़ी वीडियो हर रोज लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रणजी टीम में सिलेक्शन कैसे होता है, कितनी उम्र तक के लोग रणजी के ट्रायल दे सकते हैं, ट्रायल कब होते हैं, कौन कौन रणजी के ट्रायल दे सकता है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपका सपना भी क्रिकेटर बनना है और आपका सपना रणजी ट्रॉफी खेलना है, घरेलू टूर्नामेंट खेलना है और आप भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आखिरी तक देखिए। दोस्तों अगर आप भी रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं मगर आपको रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं पता, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रणजी टीम में सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों रणजी टीम के जो ट्रायल होते हैं इसको आपको देना होगा। अगर आपने रणजी के ट्रायल नहीं दिए तो आप रणजी टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए आपको रणजी के ट्रायल देने जरूरी हैं। मगर रणजी के ट्रायल कौन कौन दे सकता है? दोस्तों रणजी के ट्रायल सब कोई नहीं दे सकता। पहले मैं आपको इसकी एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। इसकी एज लिमिट अगर आप 23 साल के हो तो ही आप रणजी के ट्रायल दे सकते हो। अगर आपकी उम्र 14 साल है, 12 साल है तो आप इसके ट्रायल नहीं दे सकते हो। दोस्तों क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे गेंदबाज बल्लेबाज आते हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन इसी बेस पर होता है, आपका अगर गेम अच्छा होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि रणजी टीम का जब ट्रायल होता है तो काफ़ी एक से एक क्रिकेटर्स आते हैं, एक से एक बॉलर्स, एक से एक विकेटकीपर, एक से एक बल्लेबाज, तो आपको वहां पर कंपटीशन मिलने वाला है। रणजी टीम के ट्रायल आसान नहीं होते हैं। रणजी टीम के ट्रायल कौन कौन दे सकता है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। आपको रणजी के ट्रायल देने जरूरी हैं। आप रणजी के ट्रायल जब देने जाओगे आप रणजी के ट्रायल, तो आपको वहाँ पर कंपटीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर अगर आपको अपने पैशन के ऊपर दम होगा, अगर आपका टैलेंट होगा तो आप रणजी के ट्रायल को क्लियर कर लोगे। रणजी टीम में ट्रायल होते रहते हैं आए दिन। और दोस्तों अगर आप रणजी के ट्रायल तभी दे सकते हो जब आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेला होगा। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं खेला है तो आप इसके ट्रायल नहीं दे सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलना जरूरी है तभी आप रणजी के ट्रायल दे सकते हो। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नहीं खेला है दोस्तों तो आप रणजी के क्रिकेट ट्रायल नहीं दे सकते हो। और दोस्तों रणजी के ट्रायल देने से पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना जरूरी है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला है तो आप पहले जाके डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दो, डिस्ट्रिक्ट खेलो, स्टेट खेलो, तब जाके आपको मौका मिलेगा रणजी के ट्रायल देने का। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहते हो तो अंडर 16 भी खेल सकते हो, अंडर 19 भी खेल सकते हो और अंडर 23 भी खेल सकते हो। उसके बाद रणजी ट्रॉफी आता है। तो दोस्तों अंडर 14 का डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, अंडर 16 का डिस्ट्रिक्ट स्टेट होता है, अंडर 19 का डिस्ट्रिक्ट स्टेट होता है, उसी तरह अंडर 23 का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल होता है। तो आप अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट खेल लो, स्टेट खेल लो, तभी आप रणजी के ट्रायल दे सकते हो, नहीं तो आप रणजी के ट्रायल नहीं दे सकते हो। रणजी के ट्रायल वही बंदा देख सकता है जो जिसने स्टेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं खेला है तो आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट के ट्रायल देने जरूरी है, तभी आप रणजी के ट्रायल दे सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल देने जाते हो तो आपको कोई भी, अगर बहुत से लोग कहते हैं कि हम अकेडमी नहीं गए हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर आप अकेडमी में नहीं गए हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल दे सकते हो। दोस्तों रणजी के ट्रायल हर साल होते हैं, रणजी के ट्रायल हर साल होते हैं आपके, और इस साल भी होंगे। दोस्तों जब भी होंगे मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप अकेडमी नहीं गए हो तो भी आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल सकते हो, बस आपको अंदर टैलेंट होना जरूरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप जाके डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल दो, उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। स्टेट के लेवल खेलो, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तब जाके आपको रणजी ट्रायल देने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप
नहीं खेल पाओगे। रणजी ट्रॉफी के ट्रायल होते हैं, रणजी ट्रॉफी के ट्रायल वही दे सकता है जिसने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेला होगा। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल नहीं खेला है तो आप ट्रायल नहीं दे सकते हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलना जरूरी है। अगर आपने अपने स्टेट लेवल नहीं खेला है अपने स्टेट से तो आप रणजी के ट्रायल नहीं दे सकते हो दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं रणजी ट्रॉफी ट्रायल पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के ट्रायल के बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना दोस्तों। वंदे मातरम, भारत माता की जय।